अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरह मतलब हाँ कल मेरे को फोन आ गया था तो बात करने लगे थे बताइए। अरे वो हम पूछे थे एक सवाल था अक्सर लोग से अमूमन जैसे कोई मेहमान आता है फिर वो घर अपने बात करता है चले घर जाता है अक्सर अमूमन लोग जैसे कहते नहीं है अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज की कोई मीनिंग है भी कि खाली अल्लाह हाफिज कहते हैं कोई सुन्नत साबित है या कोई दलील क्या चीज अल्लाह हाफिज। हाँ ये अल्लाह हाफिज इसकी कोई मीनिंग क्या है इसकी अल्लाह हाफिज में ये बोलते हैं अल्लाह हाफिज से सुन्नत साबित ही है। हाँ ये एक दुआ है अल्लाह हाफिज मतलब अगर हम किसी को बोलते हैं तो मतलब भाई ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मतलब सेफ्टी करे हिफाजत करे तो ये मतलब दे सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सलाम के बाद आप समझ रहे हैं सलाम को छोड़ के खाली मतलब अल्लाह हाफिज को मतलब अब कहीं जा रहे हैं जाते टाइम बोल दिया हाँ भाई चलो ठीक है जा रहे हैं अल्लाह हाफिज तो नहीं खाली अल्लाह हाफिज बोलने से काम नहीं चलेगा। आते वक्त भी भाई सलाम है और जाते वक्त भी सलाम है। सलाम के साथ आपको मेरे भाई दुआ देना है तो आप बोल सकते हैं ठीक है भाई जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज ठीक है हमारी दुआ कीजिएगा तो ये बोल सकते हैं। लेकिन मतलब सलाम को छोड़ के सलाम का जो बदल होता है उसको अल्लाह हाफिज बना लेना तो ये जायज नहीं है समझे। ये अबू दाऊद की हदीस है कि तुम्हारे आते वक्त का सलाम वो जाते वक्त के सलाम से मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आएंगे तो आप सलाम करेंगे लेकिन जब जाएंगे तो भी आप सलाम करेंगे वो ज्यादा मतलब भाई इम्पोर्टेंट है अहमियत उसकी ज्यादा है। क्यों? हाँ क्योंकि आप आ गए हैं साथ खैरियत के आ गए हैं अब आप सलाम कर रहे हैं लेकिन अब आप जा रहे हैं तो आपको सलाम करना है क्योंकि अब आप जा रहे हैं रास्ते में कुछ हादसा हो जाए तो उस समय भाई हमको सलाम करना है सलामती की दुआ मतलब सामने वाले को भी देना है तो वो वापस जवाब में कहेगा वालेकुम अस्सलाम तो आपको दुआ देगा वो तो आने आते वक्त भी हमको सलाम कहना है जाते वक्त भी हमको सलाम ही कहना है। सलाम के साथ अगर कहना है अल्लाह हाफिज तो बात सही है सलाम को छोड़ के अल्लाह हाफिज कह रहे हैं तो नहीं कहना चाहिए। अबू दाऊद की हदीस नंबर हमको बताएं तो हदीस नंबर भाई गालिबन 5829 है ठीक है एक बार देख लीजिएगा चेक 5829 या 26 5829 या 5826 इन दो मतलब ये दो हदीस नंबर है मेरे को पहले कही पहले मैं दोनों चेक कर लूंगा। हाँ दोनों चेक कर दीजिएगा इनमें से एक इंशाल्लाह मतलब सही होगा। पहले के जो दो जो आपने डिजिट बताए हैं 5826 है ठीक है 5826 गालिबन 5826 तो आते वक्त भी सलाम करना है जाते वक्त भी भाई हमको सलाम करना है सलाम के साथ अगर कोई कहता है अल्लाह हाफिज सलाम के साथ मतलब सलाम करने के बाद अगर उसके साथ कोई दुआ देता है तो वो जायज है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सलाम को छोड़ के सलाम को ही मतलब भाई अल्लाह हाफिज समझ लेना या अल्लाह हाफिज को ही खाली सलाम समझ लेना और सलाम को छोड़ के सलाम की जगह पे अल्लाह हाफिज कहना तो ये जायज नहीं। ज्यादातर यही यूज करते हैं सलाम को जाते वक्त बहुत कम ही करते हैं यही कहते हैं अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हाँ मैंने देखा है फोन काटते वक्त भी लोग अक्सर बोल देते हैं अच्छा ठीक है रखिए भाई अल्लाह हाफिज हमें सलाम करना है सलाम के साथ जो दुआएं देनी दे सकते हैं कि अल्लाह आपको खैरियत से रखे अल्लाह हाफिज सफर में आसानी हो आपके में बरकत हो रिज में बरकत हो वो जितनी दुआएं देना चाहे आप एक घंटा दे सकते हैं लेकिन सलाम के साथ सलाम को छोड़ के नहीं ठीक है क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 85 में भाई ये कहता है कि तुम लोगों को बेहतरीन मतलब अंदाज से सलाम करो। सूरह निसा आयत नंबर 4 सूरह नंबर 4 आयत नंबर 85-86 और ये हो गया तो उसमें आता है अस्सलाम वालेकुम और उसका जवाब भी आता है वालेकुम अस्सलाम ठीक
तो जब कोई आपको सलाम करे तो बेहतर अंदाज से उसका जवाब दीजिए। अगर कोई आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम तो आप उसको कहेंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। अगर आपको कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला तो आप उसको जवाब उससे बेहतर देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ठीक जी। और पूरा सलाम करता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु तो उतना ही उसको भाई आप आंसर देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ठीक सलाम को आम करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, नहीं जानते उसको भी सलाम करो। हाँ तो सलाम बताते हैं कभी कभी परवेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम हुआ क्या कहते हैं ये इसका मतलब क्या है? देखिए ये एक्चुअल जो सलाम है ये जो नॉन मुस्लिम होते हैं जो मतलब इस्लाम की जो मतलब जो तालीमात है उसका इनकार करते हैं उनको ये सलाम किया जाता है अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। यानी कि ये एक मतलब सलाम है वो कंडीशनल सलाम, यानी कि सलामती हो उन पर जो सच्चाई के रास्ते पे हों, हिदायत के रास्ते पे हों। तो अगर वो हिदायत के रास्ते पे होंगे तो सलाम उन तक पहुंचेगा, नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगा। तो ये कंडीशनल सलाम है। ठीक है, आम तौर पे मुसलमान जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक, नॉन मुस्लिम कोई होगा तो उसको आदाब, गुड मॉर्निंग, ठीक इस टाइप से बोलने से अच्छा है कि सलामती की दुआ अगर हमको देना है तो हम बोल सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक, इतना भी बोल सकते हैं। इसमें उलमाओं में भाई वो इख्तलाफ है कि नॉन मुस्लिम को सलाम करना चाहिए कि नहीं, और बाज लोग कहते हैं कि नहीं आप उनको बोलेंगे अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, यानी कि सलामती हो तुम पर अगर तुम हिदायत के रास्ते पे हो। तो जो आपको ठीक लगे अपनी तहकीक के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज और ये खुदा हाफिज ये कहना, पहली चीज तो जो ये खुदा है ये खुदा ना बोला कीजिए, अल्लाह बोला कीजिए। अल्लाह हाफिज आप बोल सकते हैं लेकिन सलाम के साथ, सिंगल अल्लाह हाफिज आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे सलाम की जगह पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और कोई बात? बस बस यही पूछना था। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।